स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है. यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, एफएक्स इज इक्वल टू, अगर हम चाहें तो लिखें एफएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ एफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा. एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. एफ थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा एंड एफ थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. इस तरह से हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. वेरिएबल क्या है यहाँ? थीटा. थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के डिफरेंट वैल्यू हमें मिलती है. डोमेन के बारे में हमने आपको बता रखा है, पहले से ही आपको पढ़ाया जा चुका है कि डोमेन क्या होता है. अब यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हम कर रहे हैं तो थीटा की वह वैल्यू जिसके लिए हमें साइन थीटा की एक रियल वैल्यू मिले, कॉस थीटा की रियल वैल्यू मिले, टैन थीटा की रियल वैल्यू मिले, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो थीटा की वह सभी वैल्यूज उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन कहलाएंगे जिसके लिए हमें साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी. अब सबसे पहले आते हैं साइन थीटा. एक चीज़ आप और जाने, जैसे हम अगर लिखते हैं एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जब लिखते हैं क्या, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू डोमेन कहलाएगी और एफ थीटा मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा ये आपके लिए लर्निंग है, इसलिए इसे लर्न करेंगे. साइन थीटा के लिए डोमेन जो होता है और कॉस थीटा दोनों के लिए डोमेन के कॉलम में हमने लिखा आर. आर का मतलब आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, यानी ऑल रियल नंबर्स इसके डोमेन होते हैं. कोई भी रियल नंबर लेंगे तो साइन और कॉस की वैल्यू मिलेगी. तो इस फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. और रेंज की वैल्यू -1 to 1 दोनों के लिए होती है, साइन और कॉस दोनों के लिए. अब आइए देखिए टैन में. देखें टैन में, टैन को यहाँ देखिए डोमेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है थीटा बिलोंग्स टू आर. यहाँ भी लिखा है थीटा बिलोंग्स टू आर, लेकिन आगे लिखा है सच दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1π/2. 2n+1 में n बिलोंग्स टू i लिखते हैं, तो n बिलोंग्स टू अगर i हम रखते हैं तो ये n की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो ये ऑड आएगा, 2n+1 ऑड. तो ऑड मल्टीपल का मतलब ये है, जैसे हम पाई बाई टू लिखते हैं तो हम जानते हैं टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड. टेन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड. टेन फाइव पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड. ये पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, इसीलिए यहाँ एन बिलोंग्स टू आई लिखा हुआ है. यानी ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट देन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू. ऑड मल्टीपल्स यानी 3π/2, 5π/2, π/2, 7π/2, ऐसा कोई एंगल इसमें शामिल नहीं होगा. जबकि इसका रेंज क्या होता है? रियल नंबर, कोई भी नंबर मिल सकता है. फिर आता है कॉट थीटा. कॉट थीटा में थीटा बिलोंग्स टू आर है, ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें एक्सेप्ट देन क्या रहेगा? n पाई, यानी पाई का मल्टीपल शामिल नहीं होगा. n बिलोंग्स टू आई है, n बिलोंग्स टू आई, यानी पाई नहीं रहेगा, माइनस पाई नहीं रहेगा, 2π नहीं रहेगा, -2π नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा. बाकी अदर सभी रियल नंबर्स रहेंगे. सेक थीटा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है, लेकिन इसमें भी सेक थीटा में भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू इसके डोमेन में शामिल नहीं होगा. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू डोमेन में शामिल नहीं होगा. जबकि रेंज क्या है? रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये इंटरवल देखिए लिखा है माइनस, ओपन इंटरवल -1 to 1, इन दोनों के बीच का कोई नंबर नहीं रहेगा.
माइनस वन और वन के बीच का कोई नंबर इसके रेंज में शामिल नहीं रहता है, क्योंकि वो वैल्यू इसके मल्टीपल्स की ही आती है। स्टूडेंट, ये लास्ट रेशियो है कोसेक थीटा है आपका। फंक्शन कोसेक थीटा अगर होगा तो कोसेक थीटा का डोमेन आपका है थीटा बिलोंग्स टू आर होगा। थीटा क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स सच दैट थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई, ये इसका डोमेन होगा। मतलब ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट देन एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या है? आई। रेंज क्या है? आर माइनस माइनस वन टू वन, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देन बिटवीन माइनस वन टू वन, इस बीच का कोई नंबर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कोसेक थीटा और शेक थीटा दोनों का रेंज सेम है। डोमेन में ऑल रियल नंबर सबके लिए है, वहाँ पाई का ऑड मल्टीपल शामिल नहीं होता, यहाँ एन पाई शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। ये टेबल आप लोगों को लर्न करना होगा, आपको ये जानना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। इसकी ज़रूरत हमें इस क्लास फर्स्ट ईयर में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन सेकेंड ईयर में इसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, इसलिए इसे आप ज़रूर लर्न करेंगे, सभी फार्मूलों को अच्छे से नोट करेंगे और लर्न करेंगे। क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन में फार्मूलों की बड़ी ही उपयोगिता है। फार्मूले जितने ज़्यादा आपको लर्न रहेंगे, अच्छे से लर्न रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। थैंक यू, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। थैंक यू।